फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जब भी किसी नए शो का प्रोमो आता है तो हम उन स्टारों का लुक देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब शो का, या फिर हम देखते हैं कि इसे कौन सी टाइमिंग मिलेगी। और आजकल तो शो भी टाइम आ रहे हैं ताकि दूसरे शो पे नेगेटिव असर पड़े ही ना, कि भाई जो है सोशल मीडिया में अपने अपनी राय लगाते रहते हैं ना कि ये टाइमिंग मिलेगा, ये टाइमिंग मिलेगा, ये टाइम। और दूसरा जो है, उनके लुक को देखकर, उनकी कहानी को देखकर हम आइडिया लगाते हैं कि ये शो कितना चलेगा, क्या टीआरपी देगा और फैंस का जो रिव्यू है वो कैसा रहा। ऐसे में फैमान खान और सोनाक्षी बत्रा की जोड़ी पहली बार टीवी पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही कलर का चेहरा रह चुके हैं। अगर बात करें फैमान खान की तो वो स्टार का भी चेहरा रह चुके हैं। अब फिर से स्टार प्लस पे उनका शो आ रहा है रब रखा। शो का पूरा नाम है इस इश्क का रब रखा, लेकिन जाना जाएगा रब रखा के नाम से। तो ऐसे में ये शो लीना मैम का है। आप जानते ही हैं लीना मैम का शो एक कलर पर भी आने वाला है दुर्गा, और जो रनिंग में है वो है जाना। तो उम्मीदें पूरी हैं, टाइमिंग बहुत बेस्ट है, स्टार बहुत बेस्ट है, स्टोरी बहुत बेस्ट है बंगाली और जो है आपकी पंजाबी की। ऐसे में जो है कल्चर, दो कल्चर एक साथ टकराएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच को दिखाएंगे। कई बार कल्चर के ऊपर ही लड़ाई हो जाती है, जैसे स्टेट टू में दिखाया गया था, या मतलब ऐसा, मतलब फिर भी वो बात को संभाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की नाराज़गी एक दूसरे से बनी रहती है। और शो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं कि दो कल्चर में ही फंसा के रखेंगे, शो में ट्रायंगल लव भी नज़र आएगा और काफ़ी बड़ा ट्रायंगल लव नज़र आएगा। अभी सिर्फ शो में आपको कल्चर नज़र आ रहा है और इसी कल्चर की वजह से शायद ट्रायंगल लव शुरू होगा और जो है कहीं ना कहीं अलग भी होंगे। शो की कहानी इस तरह की होती हैं, आजकल ट्रायंगल लव चल रहा है तो वही दिखाएंगे। किसी का कहना है दुर्गा शो में क्या ट्रायंगल लव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लीना मैम अपने एक पॉइंट हमेशा छुपा कर रखती हैं, चाहे वो आप झनक में देख लेते हैं, फिर चाहे आप स्पेशल दुर्गा में देख लेना, या फिर आप रब रखा में देख लेना। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी फैमान खान की, जो कि एक सरदार लुक में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए, हमेशा हटकर रोल करना चाहिए। अगर आप एक जैसा रोल कर रहे हैं, सबको पता है उसके जैसे, अगर कोई हटकर चैलेंज ले रहा है तो ये काफ़ी डिफरेंट होता है उनके लिए भी, और चैलेंज होता है उससे भी ज़्यादा। ऐसे में कुछ फैंस हैं जो नाराज़गी जता रहे हैं कि हमें फैमान खान का लुक अच्छा नहीं लगा है, लेकिन आपको बता दें कि अगर 100% में से 10% नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो 90% फैमान खान के लुक की काफ़ी तारीफ की गई है। फैमान खान का जो सरदार का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, और ऐसे में जो फैंस हैं वो शुरू से उन्हें एक बोल्ड, कहते हैं कि बोल्ड के अंदाज में, या फिर कहें कि एक रुतबे के उसमें देखना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उनका कॉमेडियन सा लगा है, और थोड़े से सरदार और पंजाबी थोड़े से कॉमेडियन ज़्यादा होते भी हैं, तो वो तो शो करना ही पड़ेगा। मे भी जो आगे की कहानी होगी वो धीरे धीरे सीरियस बनेगी, और जहाँ पे आपको हीरोइन थोड़ा सा जो है सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि वो कल्चर के हिसाब से ऐसा दिखाया गया है। तो ऐसे में जो फैंस का कहना है या फिर जो इस लुक को लेकर कह रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा जो कमेंट आए हैं वो अच्छे कमेंट आए हैं, तो इसीलिए जो है फैमान की जोड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले सुम्बुल के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद जब वो कृष्णा मोहिनी में देवात्मा के साथ आए थे तो फैंस ने काफ़ी ट्रोल किया था, काफ़ी ज़्यादा कहा था कि अच्छी नहीं है, ये है वो है, लेकिन अब जब इनके साथ आए हैं तो धीरे धीरे फैंस जो है जोड़ियों को भूलने लगते हैं और स्टारों को नई जोड़ियों के साथ एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। अब देखना है सोनाक्षी बत्रा अपने इस लुक में लोगों के दिल में कितनी जगह बनाती है। ये शो 16 से ही शुरू होना है और जो है उम्मीदें हैं कि शो काफ़ी अच्छी टीआरपी भी निकालेगा। तो ऐसे में आपको शो का प्रोमो कैसा लगा या शो कितनी टीआरपी निकाल सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।